जय जिंद दोस्तों। और दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का भरपूर तरीके से ख्याल भी रख रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक जो बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है, 2024 KTM ड्यूक 390, ये बाइक मार्केट में काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज के साथ लॉन्च हुई। जैसे आप देख चुके हैं प्रीवियस मेरी वीडियोज में कि कस्टमर्स को जो है ड्यूक 390 के साथ काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स अभी फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम समझने वाले कि ड्यूक 390 जो नया वाला मॉडल लॉन्च हुआ है, उसमें आपके क्या कुछ प्रोज हैं, क्या कुछ कॉन्स हैं, क्या गुड फैक्टर है, क्या बैड फैक्टर है, एंड आपको अगर आप भी KTM ड्यूक 390 लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए ड्यूक 390 को परचेज करने से पहले। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे KTM ड्यूक 390 के प्रोज के बारे में, यानी इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले तो ये कि बाइक जो है आपकी बहुत ज़्यादा लाइट वेट मशीन है, बहुत ही निम्बल मशीन है। इसमें मतलब जितने इसमें फीचर लोडेड है, जितना इसका इंजन भारी है, उस हिसाब से आपको बाइक में वेट बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला है, क्योंकि एक स्पोर्ट्स बाइक डिजाइन करी गई है, नेकेड स्ट्रीट फाइटर स्पोर्ट्स बाइक। तो इसमें आपको काफी लाइट वेट मशीन है ये। सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट की बात करके चले, सुपर फास्ट ये बाइक अपने जितने भी सेगमेंट के राइवल्स हैं जो 400 cc कैटेगरी में फॉल होते हैं, तो उन उन सभी सेगमेंट में ये जो बाइक सबसे फास्टेस्ट आपको सेगमेंट की देखने को मिलती है, ये इसका सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो KTM ने इस बार इसकी बिल्ड क्वालिटी को काफी अच्छी तरीके से डिजाइन करा है। अगर आप प्रीवियस जनरेशन वाली ड्यूक 390 को देखेंगे और अब जो लेटेस्ट करंट जनरेशन वाली ड्यूक 390 है उसको आप देखेंगे, तो आपको उसमें जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। जैसे आपका जो इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की क्वालिटी हो गई, टैंक की क्वालिटी हो गई, सीट्स हो गए, टायर्स हो गए, इसके सभी स्विच गियर्स हो गए, वो आपको पूरे एक तरह से फ्रेश देखने को मिलेंगे। एंड काफी ज्यादा KTM ने इस बार इसकी बिल्ड क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करी है, तो ये इसके थर्ड पॉजिटिव पॉइंट में इंक्लूड होता है। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट इस बात बाइक का ये है कि इसमें आपको ना न्यू TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। आप स्क्रीन पर इस बाइक का जो TFT क्लस्टर, उसकी आप एक इमेज भी देख पा रहे हैं कि KTM ने पूरा इसमें अब डिजिटल LCD मतलब बढ़िया वाला एक आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे दिया है। जैसे आपको लगेगा कि अपना फोन, जो आपका स्मार्टफोन है, उसको आप यूज कर रहे हैं, उसी तरीके से KTM ने इसमें आपको एक न्यू TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे दिया है। नेक्स्ट, अगर हम पॉइंट की बात करके चले इसके फिफ्थ पॉइंट के बारे में, तो बाइक को कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। अब बाइक का इंजन जो आपका 398 है, 399 cc के साथ आता है, इसमें शॉकर्स की क्वालिटी आपकी अच्छी कर दी गई, इसके चेसिस को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, बाइक का जो ओवरऑल डिजाइन है वो चेंज है, अर्गोनॉमिक्स में काफी चेंज है, मतलब आपको एक पूरी एक फ्रेश और न्यू बाइक देखने को मिलेगी। ठीक है, अंडर द टैग ऑफ KTM ड्यूक 390, तो आपको एक काफी बेहतरीन, काफी अच्छी, एक न्यू रिफ्रेश बाइक की फील आने वाली है KTM ड्यूक 390 के साथ। अब बात करते हैं हम थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट्स के बारे में, जो है KTM ड्यूक 390 के नेगेटिव पॉइंट्स यानी कॉन्स। तो सबसे पहले तो हम बात करके चले कि इस बाइक का जो इंजन है वो इतना स्मूथ नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये देखो जैपनीज बाइक तो है नहीं है, ऑस्ट्रेलियन बाइक है, ऑस्ट्रेलियन मतलब बजाज इसको डिजाइन कर रहे हैं इंडिया में, तो आपको इतना इंजन इसका रिफाइंड और स्मूथ देखने को नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू देयर जापानीज राइवल्स लाइक यामाहा एंड सुजुकी। तो थोड़ा बहुत इंजन में स्मूथनेस की आपको कमी फील होने वाली है। सेकेंड पॉइंट की बात करके चले कि बिलो 5000 RPM अगर आप बाइक को ड्राइव करेंगे, तो आपको बाइक में ना थोड़ी बहुत वाइब्रेशन देखने को मिलेगी। जैसे इसके टैंक में वाइब्रेशन आ गई, हैंडल बार्स पे आ गई, फुट पैक्स पे आ गए। ठीक है, तो और उसके हेडलाइट, जो हेडलाइट वाला पोर्शन, वहां पे आपको थोड़ी बहुत वाइब्रेशन देखने को मिलेगी लो स्पीड्स पर, अगर आप 5000 RPM के नीचे हैं। तो एक बार बाइक आपने 5000 RPM के बाद क्रॉस कर ली, तो बाइक तो मतलब गोली की तरह जाती है, एंड वाइब्रेशन भी आपको बहुत ही ज्यादा कम फील होते हैं इसमें अबव 390 स्पीड्स, अबव 5000 RPM। थर्ड पॉइंट नेगेटिव इसमें यह है कि सर्विस इंटरवल काफी कम है इस बाइक का। KTM कहते हैं कि लगभग आपको 3 से 4 हज़ार किलोमीटर के बाद इस बाइक की सर्विस करा लेनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव पॉइंट में काउंट हो, क्योंकि आपको जैसे अगर आपने एक ही लॉन्ग राइड मार ली 2 या 2.5 हज़ार किलोमीटर की, तो आपको आराम से आपकी बाइक जो ना सर्विस कराने वाली हो जाएगी। एंड KTM की सर्विस भी थोड़ी एक्सपेंसिव है इस बाइक की, लगभग आपकी 3 से 4 हज़ार रुपये की इस बाइक की सर्विस होती है, क्योंकि इसमें जो इंजन ऑयल KTM यूज करता है वो मोटुल का 300 4V यूज करता है ऑयल, जिसकी कॉस्ट लगभग 1200 रुपीज़ पर लीटर की लगभग उस ऑयल की कॉस्ट है। तो आप लगा लीजिए, एक तो उसमें 2 लीटर तो लगभग ऑयल डलेगा, फिर आपका एयर फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, फिर लेबर चार्जेस हो गए, तो लगभग ये मिला के 3 से 4 हज़ार रुपये की इस बाइक की सर्विस पड़ती है आपकी। तो इसीलिए इस पॉइंट को भी इसके हम नेगेटिव में काउंट करेंगे। फोर्थ अगर बात करके चले तो इंजन में इसके देखो आपको ने बताया था कि वाइब्रेशन भी है, स्मूथनेस भी लैग करती है,
तो इसमें इंजन में थोड़ी बहुत ना कि नॉकिंग साउंड भी आएगी स्लो स्पीड्स पर, जैसे इंजन कट 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 की काफी आवाज कर रहा है, या फिर बाइक अगर आपकी आइडल पे खड़ी हुई है, आइडल सिचुएशन, आइडल आरपीएम पे, तो बाइक में आपको नॉकिंग की साउंड फील होने वाली है। तो नॉकिंग की साउंड देखिए, वैसे तो DOS इंजन है, थोड़ी बहुत तो इसमें नॉकिंग आएगी, तो नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए आप थोड़ा बेटर क्वालिटी का इसमें इंजन ऑयल यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसमें पावर वाला जो फ्यूल आता है, पावर पेट्रोल आता है, जिसकी ऑक्टेन रेटिंग 97-98 ऑक्टेन्स की होती है, उसको भी अगर आप यूज करेंगे तो शायद नॉकिंग की साउंड थोड़ी दूर हो जाए आपकी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करके चले जाए तो KTM की सीट्स पहले भी अनकंफर्टेबल थी, एंड इस बार के मॉडल में भी KTM की सीट्स अनकंफर्टेबल ही है। मतलब 5 to 10% तो KTM ने इसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करी है, थोड़ी बहुत तो इसमें सीट इम्प्रूव हुई है, बट अगर आप एक रिलैक्स्ड और लॉन्ग राइड, मतलब रिलैक्स वे में मारना चाहते हैं, तो सॉरी आप KTM से लॉन्ग राइड इतनी नहीं कर पाएंगे रिलैक्स वे में, क्योंकि पिलियन की सीट तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। पिलियन तो मतलब बिल्कुल बैठ ही नहीं पाएगा, आप पीछे इसमें लगेज कैरी करें तो ही बेटर है, पिलियन की सीट बहुत बेकार है। एंड जबकि जो राइडर है उसके लिए सीट थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पे है, एंड वो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही काउंट होके चलेगा। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट बात करें चले तो उसमें टू एक्सपेंसिव। देखिए इस बाइक का जो अब आपको दिल्ली में ऑन रोड प्राइस पड़ रहा है वो लगभग 3,50,000 प्लस का पड़ रहा है। तो इसके सेगमेंट की जितनी भी बाइक्स हैं, लाइक रॉयल एनफील्ड हिमालयन हो गई आपकी 450, बजाज की अभी ट्रायम्प आई थी, और ऐसी जो बाइक्स हमारी आई है अभी, तो उन सब के कंपैरिजन में KTM ड्यूक 390 काफी ज्यादा एक एक्सपेंसिव बाइक हो चुकी है ईयर बाय ईयर। जब जितने भी अपग्रेड्स KTM के आए जा रहे हैं उसके बाद इस बाइक की कॉस्ट बढ़ी ही है, तो थोड़ी सी बाइक आपके एक्सपेंसिव साइड पे होगी, इसलिए इसको हम एक नेगेटिव पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें हम बात करें कि बाइक ने आपको थोड़ा सा ना लीन करने वाला पोजीशन मिलेगा, जैसे जो हमारी पुरानी वाली KTM ड्यूक थी उसमें आपको ना पूरा एक अपराइट पोस्चर देखने को मिलता है, जिससे मतलब आपकी जो रिस्ट है एंड आपकी बैक में कभी पेन नहीं होता था। बट अभी न्यू वाली जो KTM 390 है इसमें थोड़ा सा ना आपको लीन करके बैठना पड़ेगा, जिससे आपकी जो रिस्ट है एंड आपकी जो बैक है दोनों पे थोड़ा सा आपको स्ट्रेस फील होने का स्ट्रेस फील होगा, जिस वजह से बाइक ना थोड़ी सी अनकंफर्टेबल भी हो जाती है। अनकंफर्टेबल की इस बाइक में दो पॉइंट है, पहले तो हमने बताया कि इसकी सीट थोड़ी अनकंफर्टेबल है इसमें, दूसरा पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया कि लीनिंग आप थोड़ी सी बाइक में जरा सा लीन होना पड़ेगा आपको, तो मतलब आप थोड़ा सा लीन हो गया आप तो बैक में पेन होने के थोड़े बहुत चांसेस हैं। तो गाइज यही सब पॉइंट्स है KTM ड्यूक 390 के बारे में, कुछ इसके पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, जिन सब पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है KTM ड्यूक 390 परचेज करने से पहले। तो गाइज यही था इस वीडियो में, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड जितने भी आपके डाउट्स थे KTM ड्यूक 390 को लेकर वो सब इसमें रिजॉल्व हो गए होंगे। इनकेस गाइज कुछ भी अगर आपका डाउट बचता है इस बाइक से रिलेटेड, आप जरूर मेरे से उस चीज के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपको उस चीज का आंसर डेफिनेटली करके दे दूंगा। तब तक के लिए गाइस बने रहेगा मेरे चैनल तुषीर जैन के साथ इसी प्रकार की ऑटोमोटिव रिलेटेड वीडियोस के लिए। जय जिनेंद्र।